वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया कल अगर हम देखें, और श्रीलंका उसकी पूरी चैंपियन बनी है। लेकिन जो दो स्पॉट्स वर्ल्ड कप में हमने देखे वो ग्रैब किए गए, एक एशियन टीम नीदरलैंड्स की तरफ से और एक फुल मेंबर टीम श्रीलंका की तरफ से, जो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में फेवरेट्स नजर आ ही रहे थे। लेकिन एक मेजर अपसेट यहाँ पर जरूर देखने को मिला जब नीदरलैंड्स ने कहीं ना कहीं जगह बनाई इस वर्ल्ड कप इवेंट में, जो कि 10 टीम वर्ल्ड कप है उसमें। तो सबसे पहले दोनों टीमों को कांग्रेचुलेशन। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं सीधे सीधे टीम ऑफ द टूर्नामेंट। जी हाँ, टीम ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, पहले हम सोच रहे थे कि इसे हम कम्युनिटी में डाल देते हैं टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाकर और वहां पर कहीं ना कहीं से डाल देते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि इस जो हमने प्लेयर्स पिक किए हैं इनमें रीजंस भी कहीं ना कहीं बताने जरूरी होंगे, और रीजंस कितना लंबा चौड़ा लिखेंगे उससे बेहतर इसको वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि रीजंस इन प्लेयर्स को पिक करने का क्या है। ये हमारी डेलीब्रेट की टीम ऑफ द टूर्नामेंट होगी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की। आपकी आपकी अगर कुछ इसमें चेंजेस है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपकी टीम ऑफ द टूर्नामेंट आप क्या रखना चाहेंगे, जरूर बताइएगा। सबके टीम ऑफ द टूर्नामेंट्स हम भी कहीं ना कहीं देखेंगे और देखेंगे आखिर आपने किस किस तरह से रखा है, और अगर कुछ प्लेयर्स आपके अलग हैं तो उनके रीजंस भी जरूर प्रोवाइड कराएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं एंड ओपनिंग पेयर से शुरू करें अगर, तो ओपनिंग पेयर इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट टीम ऑफ द टूर्नामेंट में कौन से होने वाले हैं और क्यों? नहीं जरूर, देखिए ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पर जो कि रियल में ओपनर्स दोनों अपनी टीमों के लिए साथ में आते हैं, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड्स के ओपनर की विक्रमजीत सिंह और मैक्स राउ, इन दोनों को हमने यहाँ पिक किया है अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में। और जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए टूर्नामेंट में, विक्रमजीत सिंह हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में थे इस टूर्नामेंट में, वहीं मैक्स राउ ने भी शुरुआत अच्छी की थी, थोड़ा सा बीच में डगमगाए हैं लेकिन स्टार्ट अच्छा करते हैं ये ओपनिंग में, तो मैक्स राउ ये नाम है, 299 रन इन्होंने बनाए थे। तो ये दो पेयर हमारे होंगे ओपनिंग स्लॉट के लिए। बिल्कुल, तो बहुत बेहतरीन ओपनिंग पेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज अ पेयर ये बहुत ही रेयर फेलियर हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, इन्होंने स्टार्ट टीम को लगभग हर वक्त ही मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स दिलाने की कोशिश की, और दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफी बेहतर रहती है, विकेट बेहतर रहती है, दोनों अच्छे एक दूसरे को समझते बेहतर है, अगर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन या फिर कन्वर्सेशन ये काफी स्ट्रांग रहती है दोनों प्लेयर्स की। तो ये दोनों हमारे ओपनिंग प्लेयर होंगे टीम ऑफ द टूर्नामेंट की। अब बात करते हैं वन डाउन, यानी उनके बाद जो प्लेयर आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रोल अदा करने वाले प्लेयर्स हैं, और वो हैं नन अदर देन जो हमारे टीम ऑफ द माफ कीजिएगा एशियन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हमने कुछ दिन पहले आपके सामने अनाउंस किया, वो थे ब्रेंडन मैकमुलन। जी हां, कोई दोहरा नहीं है कि वन डाउन के प्लेयर इस टीम बिल्कुल फिट बैठेंगे, सब कुछ आप जानते हैं, 364 रन उन्होंने मारे, 13 विकेट उन्होंने टूर्नामेंट में निकाले, और क्या लाजवाब टूर्नामेंट दिया है। पहले तो ये वन डाउन आते हैं अपनी टीम के लिए, फिर उसके बाद ओपनिंग स्पेल भी उन्होंने रखे हैं नई बॉल से, डेफिनेटली हमारी टीम में भी ये एक्जैक्टली वही रोल निभाते हुए नजर आएंगे जो इन्होंने स्कॉटलैंड के लिए रोल निभाया है। अब बात करते हैं उसके अगले प्लेयर यानी सेकंड डाउन पे एंड कौन से प्लेयर हैं और क्यों। जरूर, और ये है हमने इनको ऊपर भेजा है, क्योंकि हम चाहते भी थे, हमने कई बार ऐसा कहा भी है कि हम इन प्लेयर को ऊपर देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को नीचे रखते हैं, लेकिन खैर उनकी मर्जी है। लेकिन टीम ऑफ द टूर्नामेंट में हमने स्कॉट एडवर्ड्स को सेकंड डाउन के लिए पिक किया है, और यहीं पर स्कॉट एडवर्ड्स नहीं, वो हमारे विकेट कीपर और कप्तान भी होंगे इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट के, जो कि वाजिब है टीम को क्या कहां से कहां तक लेके चले गए हैं वो, और उन्होंने कुछ साबित भी करके दिखाया है, 314 रन बनाए हैं, डिसमिसल्स भी बहुत शानदार डिसमिसल्स उन्होंने किए हैं, 12 डिसमिसल्स हैं बिल्कुल, और स्टंपिंग कल की बहुत शानदार थी उनकी, कल बहुत तेज स्टंपिंग रही है उनकी, नजरें बहुत तेज है, तो स्कॉट एडवर्ड्स सेकंड डाउन के लिए, विकेट कीपर भी और कप्तान। बिल्कुल, उसके बाद अगर बात करें थर्ड डाउन की तो ये एक क्रूशियल फैक्टर है, और यहाँ पर हमने पिक किए हैं अयान खान। बिल्कुल, ओमान के अयान खान, इनको पिक किया है, इनका वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट गया है, और अगर हम बात करें तो एशियन जितनी भी टीम्स एशियन टीम्स थी यूएई ओमान और नेपाल, इन तीनों में सबसे बेहतरीन एवरेज और सबसे ज्यादा रन जो है एज अ बैट्समैन ये इन्होंने ही लगाए हैं, और डेफिनेटली, और ये एक और चीज के अंदर पिक किया इनके हैंड की वजह से। बिल्कुल, इनकी हैंड की वजह से पिक किया, जी हाँ, लेफ्टी, इस वजह से इनको यहाँ पर हमने और ज्यादा प्रीफर किया गया और पिक किया यहाँ पर, और ताकि वो जो लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है कम से कम शुरू में बना रहे, आप देखिए विक्रमजीत सिंह एक लेफ्टी है, उसके बाद अगर वो आउट होते हैं तो उसके बाद सीधा यहाँ पर अयान खान भी यहाँ पर आएंगे, बीच में स्कॉट रॉबर्ट्स है, उसके बाद फिर से एक लेफ्टी का ऑप्शन हमने दिया है, नीचे एक और लेफ्टी है वो भी इंतजार कर रहे हैं, आगे आपको जरूर बताएंगे। ये बात हो गई वन डाउन, थर्ड डाउन तक ये बात हो गई, उसके बाद अगले प्लेयर्स की बात करें तो अगला जो हमारा प्लेयर्स है ये ऑलराउंडर्स है, हमने ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की है, और इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैंडी रहे हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी, और यही चीज हमने भी अपने इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में उतारी है। अब यहां पर शुरुआत होती है हमारे ऑलराउंडर की लिस्ट, यानी फोर्थ डाउन पे एंड कौन से प्लेयर आएंगे।
जरूर देखिए यहाँ पर बिल्कुल नीदरलैंड्स के एक ऑलराउंडर हैं जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, क्रुशियल टाइम पर आकर रन्स किए, विकेट निकाला, फाइफर भी लिया। हम बात कर रहे हैं बेस्डी ली, हाँ इनको हम यहाँ फोर्थ डाउन रख रहे हैं, जिन्होंने 285 रन बनाए, 15 विकेट भी निकाले और फाइफर भी था। कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग था इनका फील्ड में और ज़बरदस्त टूर्नामेंट गया, इन्होंने खूब रन भी किए हैं। तो ये हमारे फोर्थ डाउन के लिए हमने इनका बेस्डी ली का नाम रखा। बिल्कुल, उसके बाद जो अगले प्लेयर हमारे टीम टूर्नामेंट में होंगे उसमें होंगे लोगान बेल्बीक, वो नेदरलैंड्स के एक और प्लेयर लोगान बेल्बीक। डेफिनेटली इनके बिना ये टीम अधूरी रहेगी, क्योंकि अगर हम बात करें बॉलिंग से तो नई बॉल से बॉलिंग की बात करें तो वहां पर भी बेहतरीन करते हुए निकले हैं। 12 विकेट करीब इन्होंने विकेट्स निकाले हैं, काफी बेहतरीन स्पेल्स इनके रहे हैं, काफी इकोनॉमिकल भी ये गए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने ये तेज तरार हिटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं टीम को बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और जिस तरह हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही है, जी हाँ, वो मैच कहीं ना कहीं जिताने में बहुत बड़ा उनका रोल था। और जिस तरह की पावर हिटिंग इनकी रहती है, डेफिनेटली इस तरीके की टीम में आपके पास एक बैट्समैन होने चाहिए। आपने जितने भी ऊपर से नीचे तक अपनी लिस्ट भरा रखी हो बड़े बड़े नामों से, लेकिन इस तरीके के जिस तरीके के स्टाइल के लोगान बेल्बीक प्लेयर हैं, एक हायर स्ट्राइकेट वाले प्लेयर, इस तरीके के एक प्लेयर मिनिमम आपकी टीम में होने ही होने चाहिए। और ताकि अगर जरूरत पड़े कभी 20 बॉल में 50 रन, 10 बॉल में 30 रन वाली बात, तो इस तरह के प्लेयर्स आपके लिए स्टेप अप करते हैं और उन्होंने एक एग्जांपल भी टूर्नामेंट में दिखाया है। लोगान बेल्बीक वो प्लेयर होगी। उसके बाद अगले जो प्लेयर है एंड हमारी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वो कौन है? जरूर सिक्स डाउन के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और वो है माइकल लीस। जी हाँ, सिक्स डाउन ऑब्वियसली इनको हम यहाँ फिफ्थ डाउन में हमने एक कंडीशन रखी हुई थी। जरूर है कि लोगान बेल्बीक पहले कैसे आ सकते हैं, माइकल लीस को पहले आना चाहिए, ये हमारे सिचुएशन के ये हमारे दिमाग में भी था, लेकिन सिचुएशन के तौर पर हमने इन्हें नीचे रखा है। अगर ओवर्स काफ़ी हो चुके हैं, 40 प्लस 45 प्लस हो गए, तो ज़रूरत नहीं है, वहाँ लोगान बेल्बीक जैसे प्लेयर कोशिश कर सकते हैं संभालने की। अगर आउट हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर 25-30 ओवर ही हुए हैं, बहुत ओवर पड़े हैं, तो माइकल लीस डाउन आएंगे। लेकिन सिक्स डाउन में अभी फिलहाल माइकल लीस को हमने रखा है, जिन्होंने 197 रन बनाए हैं और 5 विकेट भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में निकाले और बहुत बेहतरीन काम किया है। स्कॉटलैंड को एक उन्होंने जीत भी दिलाई, 90 रन की पारी उन्होंने खेली थी इस टूर्नामेंट में। आई थिंक वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही थी शायद, जो नहीं आयरलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ थी वो जीत। शानदार खेले और छठे डाउन पर वो आए। बिल्कुल, तो ये और लगातार रन करते हैं और अभी हमने देखा जो स्कॉटलैंड वर्सेस शायद जिम्बाब्वे मैच था, वहां पर भी उन्होंने 30 प्लस करीब कर एक अच्छे स्कोर तक टीम को पहुंचाया था। जी हाँ, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही वो मैच था, मार्क वाट भी वहां चले थे। उसके बाद जो हमारे अगले प्लेयर होंगे वो यहाँ पर आ जाते हैं, गुलशन झा। जी फाइनली अब ये नाम जो है ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ऐसा स्टार्ट वगैरह तो इतने खास है नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप ओवरऑल, इस हमने पहली कम्युनिटी में हमारे कहा था, आप सबने पढ़ा ही होगा, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं नेपाल के लिए। अगर हम बात करें उनके पूरी की पूरी स्क्वाड जो रही है, उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मर अगर आप देखेंगे तो वो गुलशन झा ही रहे हैं। उनकी लाइन लाइन काफी बेहतर हुई है, बॉलिंग काफी बेहतर हुई है, थोड़े कंजूस होते जा रहे हैं वो एज अ बॉलर, रन खर्च करने वाले में इंप्रूव उनके अंदर शानदार दिखा है और साथ साथ में उन्होंने रन भी किए। ऐसा नहीं कि 50-60 रन मारकर उन्होंने 7 विकेट लिए तो चलिए इनको भर लिया, नहीं, बहुत सारी चीज़ देखने वाली बात। और उनका हैंड भी, ऐसे हमने आपको पहले बताया हम ये चाहते थे कि हम कम से कम 2-3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन यहाँ पर जरूर टीम में रखने की कोशिश करें, ताकि जो हैंड है वो भी लगातार ओपोनेंट टीम को तंग करता रहे। वो देखकर भी हमने यहाँ लिया है कि उनका हैंड, ऊपर से उनका इंप्रूव परफॉर्मेंस, साथ साथ में जो वो बीच बीच में आकर क्रूशियल विकेट्स निकालते हैं, पार्टनरशिप ब्रेकर है किया गया और 139 रन 140 के आसपास उन्होंने रन भी किए 35 के एवरेज के आसपास। तो इसीलिए गुलशन झा को हमने यहाँ पर पिक किया और माइकल लीस के बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे हमारी टूर्नामेंट में। आपकी क्या राय होगी आप जरूर बताइएगा। दो और प्लेयर्स हैं एंड उसके बाद अगले प्लेयर कौन से? बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें तो मार्क वाट, जी हाँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर, शानदार, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका जा रहा था टूर्नामेंट में। लास्ट के कुछ मैचेस में बस थोड़ा डगमगा गए, 151 रन इन्होंने बनाए हैं और 10 विकेट भी इस टूर्नामेंट में इन्होंने निकाले, तो बहुत इकोनॉमिकल भी रहे हैं। क्रूशियल टाइम पर जिम्बाब्वे के खिलाफ जब विकेट नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने वहां पर बेहतरीन स्पेल डाला, विकेट निकाला, उसके बाद जिम्बाब्वे की पारी कुछ बिल्कुल लड़खड़ा सी गई और रन भी उन्होंने बहुत क्रूशियल किए हैं, बहुत जबरदस्त पारियां, पार्टनरशिप्स इन्होंने जमाई है माइकल लीस के साथ जो आयरलैंड में खेला था, वहां पर भी इन्होंने रन किए। तो ये हमारे लिए प्रेफर है कि एक टॉप स्पिनर भी है और मौका आने पर ये प्लेयर टीम को मुश्किल से निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हाल है। और एक प्लेयर अब यहां बचा, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो वो हो जाते हैं करण केसी। करण केसी फ्रॉम नेपाल, डेफिनेटली ये भी हमारी इस लिस्ट में जरूर शामिल होने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमने आपने हमारे सारे नेपाल के एनालिसिस में एक बात जरूर सुनी होगी, करण केसी का जो ओपनिंग स्पेल रहा है
वो बहुत ही शानदार रहा है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, हर टीम के खिलाफ उनका ओपनिंग स्पेल काफी शानदार रहा है और इसी वजह से हमने उन्हें यहाँ पर पिक किया है क्योंकि नई बॉल से वो शेयर करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर लोगान वैन बीक के साथ करण केसी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद फिर ब्रेंडन मैकुलन को आप, जी हाँ ब्रेंडन मैकुलन को आप यहाँ साथ करण केसी और ब्रेंडन मैकुलन हमारी टीम में शेयर करेंगे नई बॉल, उसके बाद लोगान वैन बीक, फिर धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो डेफिनेटली करण केसी हमारे इस टूर्नामेंट टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जरूर है। तो ये वो 11 प्लेयर्स हैं जो आप अब इस वक्त देख पा रहे हैं, ये 11 प्लेयर्स हमारे टीम ऑफ द टूर्नामेंट रही है इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर की डेली क्रिकेट की तरफ से, जिसमें कैप्टन जो है वो स्कॉट एडवर्ड्स होंगे, विकेट कीपर भी वो होंगे और बाकी सबके हमने रीजंस वाइज आपको समझाने की कोशिश किया कि आखिर क्यों रहने वाले हैं। अब बारी है आपकी, ओवर टू यू, आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये परफेक्ट प्लेइंग 11 है टीम ऑफ द टूर्नामेंट है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ एक चेंजेस होने चाहिए, तो क्या चेंजेस हैं आप अपनी टीम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ साथ में यहाँ पर एक चीज और बताइएगा कि किन रीजंस की वजह से आपने उन प्लेयर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसमें आपके सामने समझा। जी हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देते हुए चलते हैं कि प्लेइंग 11 में से हमने कितने प्लेयर्स किस देश से किस क्रिकेट टीम से हमने पिक किया है, 5 प्लेयर नेदरलैंड से हैं जो चैंपियन माफ कीजिए जो रनर अप रही है इस टूर्नामेंट के वर्ल्ड कप में जा रही है, वहीं स्कॉटलैंड से हमने यहाँ पर 3 प्लेयर पिक किए हैं और नेपाल से 2 प्लेयर हैं और ओमान से 1 प्लेयर यहाँ पर मौजूद है और बाकी यूएई यूएसए से यहाँ कोई प्लेयर है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने और डेफिनेटली ये हाल रहा है और जैसे हमने आपको स्पेसिफिक रीजन बताया परफेक्ट किन किन वजहों से, कुछ प्लेयर लेफ्ट हैंडेड की वजह से है, कुछ अपने इकोनॉमिक स्पेल की वजह से है, कुछ बेहतरीन रहे थोड़ा ना, कुछ अपनी स्ट्राइक रेट की एबिलिटी जो अपनी स्ट्राइक रेट रेस करने लगे उसकी वजह से है और बाकी तो कुछ प्लेयर्स टॉप परफॉर्मेंस भी इस टूर्नामेंट में रहे हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है हर तरफ से देखकर जो हमने विकेट कीपर और कैप्टन हमने आपको बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से आप वाइस कैप्टन किसको बनाते थे, आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने ये पहले से डिसाइड नहीं किया था लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? नहीं जरूर, देखिए अगर वाइस कैप्टन की बात है तो कहीं ना कहीं मार्क वाट को यहाँ जरूर एक्सपीरियंस तो बिल्कुल सही कहा आपने, उनको ये जिम्मेदारी जरूर मिलनी चाहिए कि अगर ऐसा होता है टीम ऑफ द टूर्नामेंट, काश ऐसा बनाया जाता कुछ, लेकिन हमारे हिसाब से डेलीग्रेट के हिसाब से बिल्कुल ये लगता है मार्क वाट 100% वीसी के यहाँ पर दावेदार जरूर। बिल्कुल, एक चीज आपने अभी बोली तो मुझे याद आ गई, टीम ऑफ द टूर्नामेंट कितना इंटरेस्टिंग होता है, टीम ऑफ द टूर्नामेंट एक, चलिए ऐसे अपने हिसाब से बनाता टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाता और जो चैंपियन टीम है उनके साथ एक बार मैच हो जाता, मजा आ जाता देखने में, तो मजा आता। मान लीजिए ये टीम ऑफ द टूर्नामेंट श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेल रही है, उसके बाद ये इनिशिएटिव कितना अच्छा होता है, लोग कितना पसंद आता, मुझे लगता है कि कोई भी फैंस है उन्हें पसंद नहीं आता। बिल्कुल सही, मजा आता है देखने में, जरूर सही कहा है आपने, ये काफी ज्यादा चीजें होती है कभी कभार हमें फुटबॉल में देखने को पहले क्रिकेट वर्ल्ड 11 वगैरह वगैरह बहुत क्रिकेट में होता था, लेकिन जब से बिग थ्री का रिवॉल्व होना शुरू हुआ है ये जो अच्छी इनिशिएटिव चीजें हैं सॉरी पर खत्म हो गई है, पर काश ऐसा होता लेकिन डेली क्रिकेट हमेशा इसके लिए खड़ा रहे। बिल्कुल, और हमने हमेशा टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई है, आपकी क्या टीम है जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और डेलीग्रेट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब वक्त है इमर्जिंग टीम एशिया कप की तरफ कंप्लीटली अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने का। अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर यहीं पर कंक्लूड करते हैं, फिलहाल आज शाम से ही शुरू हो जाएगा इमर्जिंग एशिया कप की फुल कवरेज डेलीग्रेट चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।